हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, अभी यूजीसी की जो यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, जैसा कि रमेश पोखरियाल जी ने आके सीधे सीधे ट्वीट किया है, वो क्या लेटेस्ट अपडेट है, मैं पूरी बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन गाइस आपको मिलता रहे। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का कमेंट जो हमें मिल रहा है, आप सभी का रिस्पांस जो हमें मिल रहा है, पूरी तरीके से हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अपने दिल की बातें अपने एग्ज़ाम को लेकर के शेयर कर रहे हैं, प्रमोशन को लेकर के शेयर कर रहे हैं। तो ये सुनकर, देखकर, कमेंट पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बातें हैं, एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है, जैसा कि मैंने दिल्ली पिछला वीडियो बनाया था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किया था, उसमें डीयू ने पूरी तरीके से एग्ज़ाम को लेकर के बात कहा था। तो एक महाशय ने मैं कमेंट किया था, उन्होंने कहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर दिल्ली और जेएनयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में होगा एग्ज़ाम, ये क्यों नहीं कराया जाएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो दिल्ली सरकार केजरीवाल जी हैं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटियाँ उस पर सारे एग्ज़ाम होने वाले रद्द कर दिए हैं। तो भैया, हमें यही बताइए, आप क्या COVID-19 जेएनयू के स्कूल में नहीं जाएगा, जेएनयू के कॉलेज में नहीं जाएगा, जेएनयू स्कूल में जो परीक्षार्थी हैं वहाँ के परीक्षार्थियों को लेकर COVID-19 नहीं पहुँचेगा। फिलहाल ये अपनी अपनी बात है, हालांकि देखना क्या है कि क्या हमारा एग्ज़ाम होता है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है कि आज जो पूरी तरीके से COVID-19 का कहर बढ़ता जा रहा है, ये किसी बड़े यूनिवर्सिटी, किसी छोटे यूनिवर्सिटी और किसी ऊँचे नीचे को नहीं देखता। यहाँ पे सब अगर आ गए चपेट में तो सबको एक साथ ले लेता है। तो ये COVID-19 किसी को नहीं देखने वाला। गाइस, आप सभी समझदार हैं, आप सभी पढ़े लिखे हुए हैं, आप सब अगर ऐसी बातें करेंगे तो शायद ही है कि मुझे इस बात पे जो है बहुत ही शर्मिंदा महसूस करना पड़ेगा कि पढ़े लिखे इंसान अगर वायरस को ना समझे, बैक्टीरिया को ना समझे, तो एक खेत में हल चलाने वाला किसान नहीं समझ सकता कि वायरस और जो है बैक्टीरिया और फंगस, फफूदी, ये सब क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको एक साइंस का स्टूडेंट या पढ़े लिखे हुए समझ सकते हैं कि जो ऐसी चीज़ है जो न दिखते हुए भी लेकिन अपना पूरा पूरा काम कर जाती है। जी गाइस, वायरस एक ऐसी चीज़ है, बैक्टीरिया ऐसी चीज़ है जो इतनी बड़ी बॉडी को पूरी तरीके से हिला के रख देती है। फिलहाल हम बहुत लंबी चर्चा नहीं करके हम आते हैं UGC के आखिर गाइडलाइन को लेकर के क्या कहा रमेश पोखरियाल जी ने। आपको बता दें, यहाँ से UGC सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम को लेकर दे रही सहानुभूति। यहाँ पे आप अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके लिए एक प्रज्ञाता जो है, एक गाइडलाइन प्रज्ञाता करके उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। अब उस प्रज्ञाता में क्या है तो उसी बात को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल सीधे सीधे आपको लेके चलते हैं लेटेस्ट अपडेट, क्या UGC की तरफ से निकल क्या रहे, क्या UGC वाकई अपने फैसले पर मुखरेगी नहीं, क्या UGC वाकई अपने इस फैसले पर पूरी तरीके से अड़ी रहेगी, या फिर अभी भी समय है कि इस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल अभी भी टाइम है, इस पर जो है सोचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ तैयारी तो कर रही हैं लेकिन संशय कहीं ना कहीं बना हुआ है कि UGC ना जाने कब अपने फैसले को वापस ले ले, जिससे हमारे जो भी परेशानियां हैं वो थोड़ी कम हो जाए। और आपको बता दें कि UGC एक पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं कि जुआ खेलना, वही कर रही है, बच्चों को लेकर करके एक जुआ खेल रही है UGC के कहने पर। फिलहाल अब इस जुए में कौन पास होता है, कौन फेल, ये आने वाला वक्त बताएगा। आइए हम आपको बिग अपडेट पे लेके चलते हैं। गाइस, यहाँ से आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, डिजिटल शिक्षा के दौरान तनाव से निपटने के लिए HRD मंत्रालय ने पेश किया है दिशा निर्देश प्रज्ञाता। जी गाइस, एक दिशा निर्देश प्रज्ञाता पेश किए हुए हैं। हालांकि इसमें क्या और हम बातें हैं मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ एक स्टूडेंट जो पूरी तरीके से स्ट्रेस और तनाव में बैठा हुआ है, उसको लेकर इन्होंने एक सहानुभूति भरा शब्द या सहानुभूति भरा वाक्य स्टेटमेंट जारी किया है तनाव को लेकर के। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के दौरान छात्रों में मानसिक और शारीरिक तनाव से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर स्कूलों में प्रमुख शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मंगलवार को, जैसा आज ही यह जानकारी दी है कि निशंक ने ट्वीट कर कहा, स्कूलों के प्रमुख शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता पेश कर रहे हैं। अब उस डिजिटल दिशा निर्देश में प्रज्ञाता में क्या बातें हैं आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे और जरूर पढ़ के बताएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा,
कि इसमें डिजिटल शिक्षा के दौरान मानसिक और शारीरिक तनाव से निपटने सहित छात्रों आदि के लिए अन्य मुद्दों पर अनुशंसाएँ की गई हैं। अब वो क्या अनुशंसाएँ हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हो 45 मिनट से ज़्यादा की ना हो ऑनलाइन क्लासें। एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि प्री प्राइमरी, जी गाइस, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि प्री प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय की बात है, मंत्रालय के अनुसार पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के प्रत्येक 45 मिनट तक की 2 ऑनलाइन सेशन और 9 से 12वीं के लिए 4 सेशन होने होंगे। जी गाइस, 4 सेशन बनाए गए हैं 9 से 12वीं के लिए और 2 सेशन बनाए गए हैं जहाँ से पहली कक्षा से कहें तो प्राइमरी स्टेट से 8वीं तक के लिए 2 सेशन और यहाँ पे 4 सेशन बनाए गए हैं इंटरमीडिएट के बच्चों को लेकर के। अब इसमें 45 मिनट से आपकी कक्षाएं ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, उनको रेस्ट दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए देश भर के स्कूलों में अभी डिजिटल माध्यम पठन पाठन का कार्य चल रहा है। फिलहाल डिजिटल माध्यम कितना है आप सभी को पता है। इंडिया में प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कितना लेकर प्रॉब्लम हो रही है आप सभी को पता है। इंट्रोड्यूसिंग प्रज्ञाता गाइडलाइन ऑन # डिजिटल एजुकेशन फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कंटेनिंग रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम फॉर Children tips on coping with mental and physical stress during # digital learning and more stay tuned for more details has Pragyata Peak Tutor। जैसा कि इन्होंने ट्विटर आईडी पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से इंट्रोड्यूसिंग प्रज्ञाता गाइडलाइन # जैसा कि जितनी बातें ऊपर में पढ़ा वही बातें यहाँ पे नीचे भी हैं एंड मोर स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिटेल्स प्रज्ञाता। और इन्होंने अपने MHRD मंत्री ने पूरी तरीके से अपने ट्विटर हैंडल पे आके ये बातें कही हैं। फिलहाल प्रज्ञाता में बातें ये है कि अभिभावकों के लिए जो यहाँ पे गाइडलाइन जारी कर किया गया है और छात्रों को लेकर के कि पहली से आठवीं तक की कक्षा को 45 मिनट तक ही उनको जो है क्लासेस चलाई जाएंगी और 2 सेशन बनाए गए हैं और यहाँ पे 9th से लेकर 12th के लिए 4 सेशन बनाए गए हैं और उनके लिए 45 मिनट जो है डिवाइड किया गया है। इसी 45 मिनट में आप पूरी तरीके से उनको ऑनलाइन क्लासेस कराइए। अच्छी बात है, क्लासेस को लो करके जागरूकता फैल रही है ताकि छात्रों का नुकसान ना हो। कोविड-19 पूरी तरीके से ऐसा जो है एक डर सा बना दिया है और डर वाली बात ही है कि पूरी तरीके से छात्रों की जो पठन पाठन की प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब सी हो चुकी है। एक ऐसा जाल बिछा चुका है, एक ऐसा जाल बिछ गया है जो पूरी तरीके से टूटने का नाम नहीं ले रहा है और ये जाल बढ़ता चला जा रहा है। आप सभी को पता है लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ रहा है छात्रों की, सारे गार्जियनों की, घर बैठ के जो छात्र पूरी तरीके से परेशानी में पड़े हुए लेकर के चिंताएं बनी है कि आखिर फ्यूचर क्या होगा, कैसे आगे का गुजारा होगा या फिर आगे कैसे की लाइफ को जिया जाएगा। फिलहाल इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो में आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझे कमेंट के जरिए अपना जो है जो भी आपकी दिशा निर्देश या जो भी आपके सुझाव है शेयर करते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए नोटिस और नए टॉपिक के साथ। HRD मंत्रालय से एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि UGC की जो गाइडलाइन है उस पर कहीं ना कहीं विचार करें और आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।